श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों जूते का करें ये उपाय, आपका शत्रु आप पर जो भारी पड़ रहा था, जो आपको परेशान कर रहा था, वो निस्तनाबूत हो जाएगा। दोस्तों जूते का उपाय सदियों से चला आ रहा है और जो जूते का उपाय इंसान कर लेता है उसके शत्रु कभी भी उस पर हावी नहीं हो सकते। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि जूते से होगा दोस्तों। और ये वाला जो उपाय है, आप इस वीडियो को बहुत अंत तक देखना क्योंकि ये बहुत ही खास वीडियो होने जा रहा है। इतना खास है ये वीडियो कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपके शत्रु का मारने का, यानी कि शत्रु को सबक सिखाने का पूरा आपको एक तरह से मंत्र मिल जाएगा, टोटका मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनके भी दुख दूर हो सकें, उनके भी दुश्मन खत्म हो सकें। दोस्तों उपाय में आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। इस उपाय को दोस्तों आप शनिवार को या मंगलवार के दिन कर सकते हैं और इस उपाय को आपको कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इसे स्टार्ट करना है और सुबह तक ये उपाय होगा। लेकिन आपको रात्रि में केवल 10 मिनट लगेंगे और सुबह आपको केवल 10 मिनट लगेंगे, इतना ही समय आपको लगेगा। यानी कि ज़्यादा लंबा ये उपाय नहीं है लेकिन कारगर उतना ही है, कारगर बहुत ज़बरदस्त है। ये उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों आजकल जो दुश्मन हैं वो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, आपको दुश्मन बनाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दुश्मन बन जाते हैं। और वो कैसे बनते हैं, आप तरक्की करते जाएँ आपके दुश्मन अपने आप बन जाएंगे, आप पूरी तरक्की करते जाएं आपके दुश्मन अपने आप बनते जाएंगे। मतलब कि आप जैसे जैसे तरक्की करें, दुश्मन बनाने के लिए केवल तरक्की करना आवश्यक है। दोस्तों यदि आप मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वो पड़ोसी आपका कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन आपकी नौकरी लग गई है और आप अच्छा खासा धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपका दुश्मन वो पड़ोसी पहले बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं या फिर कहीं ऑफिस में आप काम करते हैं और ऑफिस में आपकी पदोन्नति हो रही है, तो आपके दुश्मन वहाँ ऑफिस में पहले बन जाएंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश वो दुश्मन जरूर करेगा। इसी तरह से दोस्तों जो भी दुश्मन होते हैं वो आपके जीवन में इतना उत्पात मचाते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सब कुछ कर देंगे, किया कराया तक दोस्तों करवा देते हैं। दोस्तों दुश्मन केवल घर में ही नहीं होते, दुश्मन बाहर ही नहीं होते, दुश्मन घर में भी होते हैं। यानी कि दुश्मन जो होते हैं हमारे वो केवल बाहर से ही नहीं होते। यानी कि मान लीजिए आपके ऊपर दुश्मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, वो तो एक दुश्मन, प्रत्येक दुश्मन है जो हमारे सामने है। लेकिन दोस्तों घर के अंदर भी दुश्मन होते हैं। आपके घर में कोई मिलने वाला आता है, कोई रिश्तेदार आता है या फिर कोई दोस्त आता है, अब वो जो दोस्त है, वो जो मित्र है, वो भी आपका दुश्मन हो सकता है। आगे से तो मीठा मीठा बोल रहा हो, सामने से मीठा मीठा बोल रहा हो, लेकिन पीछे से वो आपकी पीठ पर छुरा भी ठोक सकता है। तो ऐसे दुश्मन आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कलयुग का साम्राज्य है और कलयुग के साम्राज्य में ईर्ष्या, वीर वेमनस्य का भाव बहुत ज़्यादा अब पैदा हो गया है लोगों में। तो दोस्तों ऐसे दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने कहा है कि कर्ता के साथ करना और पाप दोष से क्या धरना। मतलब कि पाप और दोष से जब नहीं डरा जाता, जब सामने वाला हम पर हावी हो जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों की रक्षा की थी, दुश्मनों को मार गिराया था, इसी तरह से आप भी अपनी रक्षा स्वयं करें। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण यही सबक सिखा गए कि हम अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दुश्मन होते हैं ना, ये पर छोटा मोटा कुछ भी नहीं करवाते, ये इतना बड़ा करवा देते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में कमाने वाले अकेले हैं और आपकी तनख्वाह से ही घर चलता है, तो ये दुश्मन सोचेगा कि इसकी तनख्वाह ही खत्म कर दो। आप तनख्वाह कैसे खत्म करेगा, वो आपको नौकरी से तो निकाल नहीं सकता, वो क्या करेगा, वो आपको बीमार कर देगा, खटले पर पटक देगा और इतना बुरा तांत्रिक से करवा देगा कि आप उठ भी नहीं पाएंगे। और जब नहीं उठ पाएंगे तो फिर आप अपने बिजनेस पर नहीं जा पाएंगे, अपनी नौकरी पर नहीं जा पाएंगे, तो फिर आपके पास पैसा कैसे आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप गंभीर बीमारी से भी पीड़ित हो सकते हैं या आप पर कुछ उच्चाटन क्रिया करवा सकता है। तो दोस्तों जो दुश्मन होता है वो कुछ भी करवा सकता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से। हमारे सामने इतने सारे केस आते हैं, इतने सारे रोजाना के हमारे पास मैसेज आ जाते हैं कि गुरुजी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हमारे कोर्ट कचहरी का केस दुश्मन ने कर दिया। अब मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है, आपका कोई प्लॉट है, उस प्लॉट पर कोई कब्जा कर लिया, अब कब्जा करने की वजह से, प्लॉट पर संपत्ति पर कब्जा करने की वजह से दुश्मन आप पर कुछ भी करवा सकता है ताकि वो प्रॉपर्टी हत्या ले। आपकी जो घर में जो सुंदर औरतें हैं उन पर भी बुरी नज़र डाल सकता है। दोस्तों दुश्मन कई तरह के होते हैं, दुश्मन अच्छे नहीं होते कभी भी, इसलिए इन दुश्मनों को तो हमेशा ही परास्त करना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट काम होता है। अब आपको दुश्मन की को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो ये उपाय आपको या तो आप मंगलवार के दिन करें या शनिवार के दिन करें। और दोस्तों आपको यदि ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब इस उपाय को करना कब है और स्टार्ट कब करना है, दोस्तों शनिवार या मंगलवार को रात्रि के समय
8 बजे के बाद आप इस उपाय को करें। कोई भी यदि घर में आपको बोलता है या आपसे कुछ पूछता है तो भी आप उससे पहले ही बोल दें, क्योंकि वो उपाय करते समय यदि कोई रोकेगा टोकेगा यदि कोई पूछ लेगा तो उपाय सफल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो घर में आपको सबसे सलाह ले लेनी कि मैं उपाय करूंगा या करूंगी, तो इस उपाय को करते समय कोई भी मुझसे कुछ भी नहीं पूछे। अब आपको करना क्या है, अब आपको लेना है दोस्तों जूता, जो जूता आप काम में लेते हैं या जो जूता आपका पुराना सा जूता है वो आपको लेना है, या आपका जो आप पहनते हैं ना वही जूता आपको लेना है। वो जूते में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने दुश्मन का नाम एक सफ़ेद कागज़ पर लिख लेंगे। दोस्तों सफ़ेद कागज़ जो होता है बिना लाइन का कागज़ जिसमें कोई लाइन नहीं होती, उस तरह के कागज़ में आप काजल से या फिर आप अपने काले कलर के मार्कर से दोस्तों कालिख पोत करके ही आपको नाम लिखना है। तो आपको अपने दुश्मन का नाम लिख देना है। अब दोस्तों दुश्मन का नाम मान लीजिए आपको पता नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने दुश्मन का नाम पता नहीं होता, क्योंकि उनके दुश्मन जो है गुप्त रूप से होते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि मेरे कितने दुश्मन हैं। अब जिनको ये नहीं पता उनके कितने दुश्मन हैं और कौन सा दुश्मन है, तो वो क्या करेगा, वो काले कलर के मार्कर से दुश्मन का नाम तो नहीं लिख पाएगा, वो केवल शत्रु लिख देगा। तो वो इंसान शत्रु लिख देगा। अब आपको ये उपाय कब करना है, आपको या तो ये उपाय 5 शनिवार को करें या 7 शनिवार को करें या 9 शनिवार को करें, ठीक है। 3 शनिवार को कर सकते हैं, 3 शनिवार लगातार या 3 मंगलवार को लगातार इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर 2 अमावस्या को इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसे 5 दिन तक आप इस उपाय को करें अलग अलग, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप जब भी ये उपाय करें तो आपको एक मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको पढ़ना है, ओम क्लीम काल्य नमः। एक और बार सुनिएगा मंत्र, ओम क्लीम काल्य नमः। जब भी आप ये उपाय करेंगे रात को 8 बजे के बाद, तो फिर इस मंत्र को आपको बोलते चले जाना है। अब आप क्या करेंगे, आपको लेना है लाइन बिना का कागज, और लाइन बिना के कागज में आपके दुश्मन का नाम लिखना है या फिर शत्रु नाम लिख देना है। अब आप क्या करें, शत्रु लिखने के बाद आप उसको अपने मोजे में, जैसे जूते के नीचे जो मोजा पहनते हैं उस मोजे के अंदर आप इसको रखें, कागज को फोल्ड कर लें, फोल्ड करके आप उसको रखें, और लेफ्ट पाँव के मोजे में आपको डालना है, ठीक है, लेफ्ट पाँव के मोजे में आपको डालना है, और रात भर जूते के अंदर रखना है, उस मोजे को जूते के अंदर रख दें, जो जूता आप सुबह पहन के जाएंगे। अब इस जूते को आप उठें सुबह, और सुबह उठ करके आप इसको पहन लें। अब पहनना कैसे है मोजे को, सबसे पहले मोजा पहनना है, मोजे के अंदर आपको कागज़ रखना है, और जो कागज़ है आपकी पगतली के नीचे यानी आपके पैर के तलवे के नीचे वो कागज़ होना चाहिए, लेफ्ट पाँव यानी बाएँ पाँव के तलवे के नीचे वो कागज़ होना चाहिए। इस तरह से आपको मोजा पहनना है, और राइट वाला मोजा भी पहन लें, फिर जूते पहन लें दोनों। अब जूते पहनने के बाद आपको क्या करना है, इस जूते से आपको बाहर जाना है सुबह सुबह। रात भर आपने मोजे को जूते के अंदर रखा था, अब सुबह उठ करके वही जूता और मोजा पहन करके आप बाहर चले गए, तो लेफ्ट पाँव के जूते के अंदर जो मोजा है और मोजे के अंदर जो आपने दुश्मन का कागज़ रखा था उसको अपनी पैर के तलवे के नीचे आपको रखना है। अब आप बाहर जैसे ही जाएंगे तो बाहर जाने के बाद आप क्या करेंगे, उस जूते को पैर से 3 बार लात मारेंगे, मतलब कि 3 बार पैर को ठपकारेंगे, और ठपकाने के बाद आप 1-2 किलोमीटर आप आराम से उस जूते के साथ और मोजे के साथ घूमने चले जाएं। घूमने चले जाने के बाद आप जब इसको अच्छे से घूम लेंगे और 3 लात गुस्से से आपको 3 लात ज़मीन पर उस जूते से मारनी है जिसमें आपने वो दुश्मन, आपको ये सोचना है कि आपका जो दुश्मन है आपके पैरों के नीचे है और आपके पैरों के नीचे वो तड़प रहा है और आप उसको गुस्से से मार रहे हैं, अपने दुश्मन को गुस्से से मार रहे हैं। इस तरह से आपको करना है और तीन बार आपको पैर को ठोकना है, कहाँ पर, ज़मीन पर, ठीक है, और गुस्से से ठोकना है, यही सोचते हुए कि आप अपने दुश्मन को मार रहे हैं, बुरी तरह से लहूलुहान उसको कर रहे हैं। इस तरह से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करें, ये जो 1-2 किलोमीटर आप घूम लेंगे, तो घूमने के बाद आप क्या करेंगे, आप वापस से किसी गंदे नाले के पास या फिर कहीं जहाँ पर गंदा पानी भरा हो या फिर कोई गंदा नाला बहता हो, कोई गटर हो, वहाँ पर आप जाएंगे, और जाने के बाद आप अपना जूता उतारेंगे, जूते के बाद मोजा उतारेंगे, और मोजा उतारने के बाद उस कागज़ को निकालेंगे। कागज़ को निकालने के बाद आपको क्या करना है, उस कागज़ को तोड़ मरोड़ करके, पूरा तोड़ देना, मरोड़ देना है, फाड़ना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ये जैसे हम तोड़ते मरोड़ते नहीं है कागज़ को या किसी चीज़ को अपन मुट्ठी में लेकर के, तो उसे तोड़ मरोड़ करके आपको बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ आपको उस गंदे नाले में आपको फेंक देना है। दोस्तों साफ पानी में बिल्कुल मत डालना, गंदे नाले में ही उसको डालना है। और ये क्रिया आपको कब तक करनी है, आपको ये क्रिया 5 शनिवार या 7 शनिवार या 9 शनिवार करनी है, या फिर 5 मंगलवार, 7 मंगलवार या 9 मंगलवार इसको करनी है। जब तक इस क्रिया को करें तब तक आपको ये जो मैंने मंत्र बताया है, ओम क्लीम काल्य नमः, ये वाला मंत्र आपको बार बार बोलते चले जाना है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप बस ये क्रिया करते जाएं और ये मंत्र बोलते जाएं और अपने दुश्मन का खात्मा करते जाएं। दोस्तों आप 5, 7 या 9 शनिवार को इसको कर लेंगे, और फिर 2 अमावस्या भी इसको कर लेंगे,
तो आपके जीवन में से दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। वो दुश्मन जो है आपके सामने भीख मांगेगा, आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। दोस्तों ये शनिवार का उपाय है और काली माता का उपाय है, इसको करने से मात्र से ही दुश्मनों का सर्वनाश हो जाता है। वो दुश्मन जो आपको परेशान कर रहा था वो परेशान करना छोड़ देगा और आपके जीवन में जो भी उत्पात मचा रहा था वो उत्पात मचाना भी छोड़ देगा। आपकी तरफ से उसका ध्यान हट जाएगा, मतलब कि उसकी तरफ से आपकी तरफ जो ध्यान था वो पूरा का पूरा उठ जाएगा, हट जाएगा और किसी भी तरह का कोई भी ध्यान नहीं बचेगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कीजिए, ये उपाय बहुत ही कारगर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।